हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट मैथ्स एनसीईआरटी क्लास सेट थर्ड चैप्टर 5 शेप्स एंड डिज़ाइंस। मेक अ क्लॉक, डू इट योरसेल्फ। आपको क्या करना है, ऐसे ही देख करके आपको ये बनाने हैं, तो ये आप खुद करें। नेक्स्ट हमारा हैव फन विद शेप्स, कलर द क्लोन Following the directions given below: triangle red, square yellow, circle green and rectangle blue। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपको शेप्स दिखाई दे रहे हैं ट्राइंगल वाले, उसमें आपको रेड कलर करना है। जितने शेप्स आपको स्क्वायर्स के दिखाई दे रहे हैं इनमें आपको उसमें येलो कलर करना है। एंड जितने कलर आपको जितने शेप्स आपको रेक्टेंगल के दिखाई दे रहे हैं उसमें ब्लू कलर करना है। एंड जितने आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको यहाँ 3 फिगर्स दिखाई दे रही हैं, तो हमें सर्च करना है कि फर्स्ट फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। आप बता सकते हो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट। तो यहाँ पे अभी कितने ट्राइंगल हैं, टोटल 8 ट्राइंगल हैं। बट आप इसमें देख सकते हैं क्या इसमें हमें और ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, हमें अभी टोटल कितने ट्राइंगल थे, 8। ओके, दिस ट्राइंगल इज 9, फिर अपोजिट साइड इज 10, दिस साइड 11 एंड दिस साइड इज 12। देर आर 12 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हैं, 12 ट्राइंगल हैं। नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे अभी भी टोटल ट्राइंगल कितने हैं, 8। तो हमें अभी इस फिगर में क्या और ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, सर्च इट। तो हाँ, टोटल ट्राइंगल कितने हो रहे थे हमारे, 8। अब हम ढूंढेंगे 8 के अलावा 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे 12 ट्राइंगल हो गए। देयर इज 13 एंड द लास्ट इज 14। तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हो गए, 14 ट्राइंगल्स। देयर आर 14 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। नेक्स्ट फिगर पे हम देखते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं। आपको सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देयर आर 9 ट्राइंगल्स। बट आपको इसके अलावा कोई ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यहाँ कितने ट्रायंगल हो गए, 9। आपको ये बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा 10। अब आपको ये हाफ नज़र आ रहा है, ये हो गया 11, देयर इज 12 एंड द लास्ट इज 13। देयर आर 13 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। नेक्स्ट, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिव बिलो। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको फिगर्स दे रखी हैं इनमें से आपको क्या सर्च करना है, सबसे बिगेस्ट ट्राइंगल आपको सर्च करना है, फाइंड करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्राइंगल क्या है, दिस एरिया। एंड तो नेक्स्ट फिगर में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फिगर में हमको भी क्या करना है, सर्च करना है।
बिगेस्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको पता है ऐसे बनता है, इस शेप में होता है, इसे आप खड़े शेप में भी बना सकते हो, स्ट्रेट शेप में भी बता सकते हो, और इस शेप में भी आप बता सकते हैं। तो हमारे यहाँ कैसे हो जाएगा ना ट्राइंगल, हम यहाँ से ऐसे ले सकते, सॉरी यहाँ से हम ये लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा ट्रायंगल हो गया इस फिगर का। नेक्स्ट हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम इस टाइप से भी रेक्टेंगल का शेप ले सकते हैं। बट यहाँ पे कितनी बॉक्सेस हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सॉरी मैंने पूरा कवर नहीं किया, तो ये पूरा कवर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो एरिया है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूरे 5 बॉक्सेस हैं इस ट्रायंगल के अंदर। एंड जो हमने अभी बनाया उसके अंदर कितने ट्रायंगल है, कितने रेक्टेंगल है, 1 इस रेक्टेंगल के अंदर शेप है, सॉरी बॉक्सेस हैं 1, 2 एंड 3। तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा हुआ, ये वाला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे भी हम क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल। तो हमारा रेक्टेंगल यही हुआ सबसे बड़ा। चाहे तो हम ये भी बना सकते हैं, अब हम काउंट करेंगे बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देर आर 6 बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, ये वाला रेक्टेंगल बिगेस्ट है। एंड द लास्ट फिगर, इसमें ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसे हम रेक्टेंगल के तौर पे ले लेंगे, और हम यहाँ पे भी रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा होगा हमारे यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें 7 बॉक्स है, स्ट्रेट लाइन 1, 2, 3, और यहाँ से 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल ये है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एजेस एंड कॉर्नर्स। मीटा एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम, मीटा और उसके 5 फ्रेंड्स गेम खेल रहे थे। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड, व्हाइल द अदर्स वुड मूव राउंड अ टेबल। तो जो टिंकू था उसने क्या कर रखा था, अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, और वो क्या कर रहा था, आस्क्ड टू, पूछ रहा था, कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज विश, वो चाहता था, वो क्या कर सकता था, क्लैपिंग बजा सकता था जब तक वो चाहे। और जैसे ही जब तक वो चाह रहा था, क्लैपिंग बजा रहा था, तब तक ही जो स्टूडेंट बच्चे हैं जो यहाँ पे मीटा के जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे राउंड राउंड हो रहे थे टेबल के। द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड क्लैपिंग, एक मोमेंट ऐसा है जब टिंकू रुक गया, एवरीबडी वुड स्टॉप, और सबके सब स्टॉप हो गए, वेर एवर दे वर, जहाँ पे वो खड़े थे। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी आउट, और जो बच्चा कॉर्नर पे खड़ा नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, तो यहाँ पे मीता और उसकी फ्रेंड्स यहाँ पे खेल रही हैं। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज आउट, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एजेस ऑफ एंड कॉर्नर क्या होते हैं। एजेस क्या होते हैं हमारी, ये जो यहाँ से आपको दिखाई दे रही लाइन
जो है ये, इसे हम एजेस बोलते हैं, क्योंकि ये किसको जोड़ रही है ना, एक लाइन को जोड़ रही है। तो ये जो हमारे किनारे के होते हैं इसे कॉर्नर बोलते हैं, और इन कॉर्नर को कौन जोड़ता है, जो लाइन जोड़ती है उसे एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। और जो किनारे में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्नर। इन कॉर्नरों को जो लाइन जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं। एंड एजेस इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन फेसेस। तो ये जो एज होते हैं ना, क्या होता है, ये जो कि हमारा फेस है बीच में, तो ये जो कॉर्नर की लाइन को जोड़ते हैं उसे एज बोलते हैं, और जो फेस है उसे पूरा कवर करते हैं। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज आउट। अब आप बता सकते हैं इस पिक्चर में कौन आउट हो चुका है? गुड्डू, क्योंकि ये बीच में खड़ा है और कॉर्नर पे नहीं है। द आंसर, राइट आंसर इज अ गुड्डू। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग? गुड्डू कहाँ खड़ा है? गुड्डू स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वन एज ऑफ द टेबल। तो क्या कर रहा है, वो एज के पास में खड़ा है। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल? वाई, क्या ये जो गेम है राउंड एंड राउंड टेबल, कैन दिस गेम बी प्लेड, खेला जा सकता है अराउंड अ राउंड टेबल? क्या ये गेम राउंड टेबल, जो सर्कल वाला टेबल होता है, जो राउंड टेबल होता है, उस पर खेला जा सकता है? नो, ये टेबल, सॉरी, ये गेम नहीं खेला जा सकता है राउंड टेबल के लिए। मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस फॉर एग्जाम्पल। तो स्ट्रेट एजेस के एग्जाम्पल ये हैं, देखिए यहाँ पे जो साइड में क्या है, एजेस है, ये भी एजेस है, ये भी एजेस है, और ये जो साइड में है ये हमारे कॉर्नर होते हैं। जैसे कि हमारे इस चेयर है, तो इसकी भी एजेस हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, ये क्या हमारे एजेस हैं। इसके एग्जांपल है काइट, चेयर एंड बुक। अदर थिंग्स हैव कर्व एजेस फॉर एग्जांपल, और जो कर्व एजेस होती हैं उसके एग्जांपल ये रहे, तो इसका जो कर्व होता है वो इसका एजेस होता है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। आपको बताना है कि अपने चारों ओर देखना है और बताना है कि स्ट्रेट एजेस के बारे में और कर्व एजेस आपने देखे होंगे। आसपास देखना है आपको, ढूंढना और बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रेट एजेस होती है और कौन कौन सी कर्व एजेस होती है, उनके नाम बताने हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे टेबल, टेबल क्या हो गया हमारा स्ट्रेट एजेस हो गए ना, बुक है ना, तो ये हमारे स्ट्रेट एजेस हो गए, एंड कर्व एजेस, तो कर्व एजेस हमारे क्या हो गए, फुटबॉल हो गया, वो गोल होता है ना, एकदम राउंड होता है, एंड क्या हो गया, लेमन, नेक्स्ट है, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। आपको क्या लगता है कि जो भी स्ट्रेट एजेस होते हैं उनके कॉर्नर होते हैं? यस, उन सबके कॉर्नर होते हैं, जितने भी स्ट्रेट एजेस होते हैं उनके कॉर्नर होते हैं। डू द थिंग विद कर्व एजेस हैव कॉर्नर, क्या आपको लगता है कि जो कर्व एजेस होते हैं उनके कॉर्नर होते हैं? नो, ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है ऐसी चीज़ें जिनके स्ट्रेट एजेस और कर्व एजेस दोनों एजेस आपको सर्च करना है। ओके, एक्टिविटी टाइम, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट। आपको क्या करना है, रेक्टेंगल वाली शीट लेनी है, शीट पेपर लेना है, काउंट इट्स कॉर्नर। आपको क्या करना है, काउंट करना है उसके कॉर्नर। तो आपको पता है कितने कॉर्नर हो गए, 1, 2, 3, 4, तो इसके कितने कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर। नेक्स्ट,
नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर. तो हमें क्या करना है, ऐसे ही फोल्ड करना है एक कॉर्नर को. ठीक है, हाउ मैनी कॉर्नर डस इट हैव नाउ. तो अब कितने कॉर्नर हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने कॉर्नर हो गए हमारे पास, टोटल 6 कॉर्नर हमारे यहाँ पे हो गए. हाउ मैनी कॉर्नर विल यू गेट बाय फोल्डिंग. हम कितने कॉर्नर्स को उसे फोल्ड कर सकते हैं. अगर हम 2 कॉर्नर को फोल्ड करें तो हम यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे कॉर्नर को क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे. ठीक है, तो ये हमारा ये हट जाएगा. हमने 2 कॉर्नर को फोल्ड किया, 1 कॉर्नर एंड 2 कॉर्नर. तो हमारी कितनी कॉर्नर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमारे कितने कॉर्नर हो जाएंगे, यहाँ पे 8 कॉर्नर हो जाएंगे. अगर हम 3 कॉर्नर को फोल्ड करते हैं, मीन्स एक कॉर्नर और फोल्ड किया, तो हमने हमारे कितने कॉर्नर हो जाएंगे, सेम टू सेम वैसे हो जाएंगे, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो हमारे यहाँ कितने कॉर्नर हो गए, 10 कॉर्नर हो गए. नेक्स्ट अगर हम 4 कॉर्नर मतलब चारों ओर से कॉर्नर कर लें, तो हमने फोर्थ वाला पार्ट भी हमने क्या किया, कॉर्नर कर दिया, फोल्ड कर दिया हमने इसे. तो हमारे पास कितने कॉर्नर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. तो यहाँ पे कितने कॉर्नर हो, कितनी बार इनके कॉर्नर हो गए, 4, 12 कॉर्नर हो गए. कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इज दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स. क्या आप इसे जो पेपर है उसको आप 3 कॉर्नर्स कर सकते हो उसके. यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड. आपको 2 बार फोल्ड करना है और आपको क्या करना है, 3 कॉर्नर्स के बता दिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है इसको हमने इसे ऐसे फोल्ड किया एक बार, तो हमारा जो फोल्ड होगा वो कैसे हो जाएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि हमने ये जो शेप है ऐसे कर दी ना. हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमारा एक शेप ऐसे आ जाएगा, एंड सेकंड पेज फोल्ड किया तो हमारा शेप ऐसे आ जाएगा. तो हमारे ट्रायंगल बन जाएगा जिसके 3 कॉर्नर होते हैं. तो हम ये पेज है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये एक कॉर्नर आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉर्नर, एंड इसको फोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा और 3 कॉर्नर्स के हो जाएंगे. व्हाट शेप विल यू गेट, हमें ट्रायंगल मिला. रिपीट द एक्टिविटी विद अ स्क्वायर शीट ऑफ अ पेपर. आपको क्या करना है, यही एक्टिविटी क्या करनी है, स्क्वायर शीट पेपर पे भी करनी है. तो आपको स्क्वायर जो शीट पेपर होगा उसको लेना है, उसको आपको 2 बार फोल्ड करना है, पर आप इसको यहाँ से अटैच करके बीच में से फोल्ड कर सकते हो. तो आपको कौन सी शेप मिलती है वो आपको बतानी है. कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट इन सच अ वे द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स अनचेंज्ड. क्या आप फोल्ड कर सकते हो द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट को फोल्ड करते हो और आपको जो भी कॉर्नर मिलेंगे सेम टू सेम मिलेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होंगे. तो आपको क्या करना होगा, उसको जो शीट है हमारी उसको इक्वली बराबर फोल्ड करना होगा, तो आपको सेम शेप ही मिलेंगे, कोई चेंज नहीं मिलेगा. लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टेक द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स, ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ दैम. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थिंग दे रखी है, नेम ऑफ थिंग दिया है. फर्स्ट हमारा डाई, तो हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर बताने, एजेस बताने और नंबर ऑफ कॉर्नर बताने कि इसके कॉर्नर है कि नहीं. आपको दिखाई दे रही है डाई, इसके कॉर्नर है, हमने यहाँ पे लिख दिया येस. नंबर ऑफ एजेस इसके कितने होंगे, हमें इसके नंबर ऑफ कॉर्नर बता दिए गए हैं,
8. 1, 2, 3, 4. 5, 6 और वहाँ साइड से 7, देन 8. तो इसके टोटल मिला के 8 कॉर्नर होते हैं. और इसके एजेस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. 4 यहाँ से हुए, 5, 6, 7, 8, 9 और साइड में भी 10, 11, 12. तो टोटल मिला के इसके कितने एजेस हो गए? 12 एजेस हो गए. ऐसे ही है बॉल. बॉल के कॉर्नर होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 9 एजेस. 9 नेक्स्ट हमारा इरेजर. इरेजर भी रेक्टेंगल शेप में होता है तो उसके कितने, तो उसके कॉर्नर होते हैं यस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ कॉर्नर. तो नंबर ऑफ एजेस उसके सेम, ये रेजर है रेक्टेंगल शेप में. एजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो इसकी भी टोटल 12 एजेस है. और कॉर्नर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसके टोटल कॉर्नर्स नंबर के, कॉर्नर के नंबर कितने हैं? 8. नेक्स्ट है एक्ट. एक्ट में 9 कॉर्नर्स, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे. शीट ऑफ पेपर, जो पेपर शीट होता है उसमें कॉर्नर होते हैं यस. आपको पता है जो शीट ऑफ पेपर है उसके कितने एजेस होते हैं? 1, 2, 3, 4. तो ये 4 एजेस होते हैं. कॉर्नर 1, 2, 3, 4. तो 4 इसके कॉर्नर होते हैं. इन द फॉलोइंग फिगर टिक दोज विच हैव कॉर्नर्स. इसके कॉर्नर है आपको क्या करना है, उसे टिक करना है. तो इसके कॉर्नर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनके कॉर्नर है. डू दिस फिगर हैव कर्व्ड लाइंस. क्या जो जिस पे कॉर्नर है उस पे कर्व लाइन है? यस, फर्स्ट ये कर्व लाइन हमारी है. डबल टिक, यहाँ पे भी कर्व लाइन है. यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइंस कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स. क्या आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हुए ड्रॉ कर सकते हो? ड्रॉ अ फिगर, आप ड्रॉ फिगर को ड्रॉ करोगे विच हैज़ नो कॉर्नर, जिसके कोई कॉर्नर नहीं होंगे. स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए ड्रॉ करना है आपको स्ट्रेट लाइन, और आपको क्या करना है उसमें कोई कॉर्नर नहीं होना चाहिए. अब ऐसा तो है नहीं कि कॉर्नर नहीं होंगे, तो स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो कॉर्नर तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना. विदाउट कॉर्नर की स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं है. आज हम इतना ही पढ़ेंगे, हाफ चैप्टर हमने रीड कर लिया है. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे.